जम्मू कश्मीर में लगातार तीसरे दिन पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है। पुंछ में एक बार फिर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी हुई। पाकिस्तान की ओर से बीती रात से लेकर सुबह तक गोलीबारी की गई। ये गोलीबारी पुंछ के दिगवार सेक्टर में हुई। भारतीय सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। इस दौरान किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पाकिस्तान की ओर से पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। दरअसल पाकिस्तान अपने आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराता है। इसके लिए पाक सीमा पर आतंकियों को प्रोटेक्शन देने के लिए सीज फायर का उल्लंघन करता है। पाकिस्तान की ओर से इस साल 1 अगस्त तक 286 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ, जबकि साल 2016 में पाकिस्तान ने 288 बार युद्ध विराम तोड़ा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में इस साल अब तक 147 आतंकी मारे जा चुके हैं। पिछले दो महीने में भारतीय सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान 22 आतंकियों को ढेर किया है। आज दोपहर पुंछ के ही शाहपुर में भी पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया और इस सब के बावजूद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर भारत की ओर से कोई सर्जिकल स्ट्राइक की गई तो पाकिस्तान भी संयम नहीं बरतेगा। जीएसटी से परेशान व्यापारियों को आज बड़ी राहत मिल सकती है। दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही है। सरकार तक ये जानकारी पहुंच रही है कि जीएसटी को लागू करने के बाद से व्यापारी परेशान हैं, उन्हें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और इसी बात से सरकार चिंतित है। सरकार चाहती है कि व्यापारियों की समस्या को फौरी तौर पर खत्म किया जाए और इसलिए हो सकता है कि आज की बैठक के बाद सरकार की तरफ से राहत के कुछ ऐलान हो। दिल्ली के करोलबाग में भी कारोबारियों की जीएसटी बैठक को लेकर कई उम्मीदें हैं। सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्योगों को जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए राहत मिल सकती है। फैसले के तहत छोटे कारोबारियों को तिमाही आधार पर जीएसटी भरने की छूट दी जा सकती है। फैसले में सरकार निर्यातकों को कुछ राहत दे सकती है। आज पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर भी फैसला हो सकता है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव से सीबीआई की पूछताछ जारी है। आज सुबह 11 बजे सीबीआई मुख्यालय में तेजस्वी पेश हुए। रेल टेंडर घोटाले में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से सीबीआई पूछताछ कर रही है। तेजस्वी सुबह 11 बजे दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे। लालू यादव के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी यादव सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं और लगभग 11:20 पर तेजस्वी यादव सीबीआई दफ्तर पहुंच गए। यहां पर उनकी फ्रिक्सिंग और जांच करने के बाद जो जांच अधिकारी थे और वो अपने साथ सीबीआई हेडक्वार्टर लेकर पहुंचे हैं। इससे पहले कल सीबीआई के अफसरों ने लालू यादव से 7 घंटे तक सवाल जवाब किया। लालू के साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी मौजूद रही। न जाने हमको क्यों परेशान ये लोग कर रहे हैं, इनके परेशानी से मैं दबने वाला नहीं हूँ और ये जो भय दिखाते हैं जेल जाने का, मैं जेल से भी नहीं भागता हूँ। हमको न्याय व्यवस्था पर, हाई कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर, लोअर कोर्ट पर हमको विश्वास है और भारत की न्यायपालिका जीवित है। कानून अपना काम करता है, कानून के ऊपर भरोसा रखे। सीबीआई ने इसी साल लालू और उनके रिश्तेदारों के पटना और दिल्ली सहित करीब 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी। आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे के 2 होटल निजी फर्मों को दे दिए गए और इसके लिए एक बेनामी कंपनी के जरिए 3 करोड़ की जमीन ली गई। सीबीआई हेडक्वार्टर में पेशी से पहले तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया कि उनकी जीत होगी। महात्मा गांधी की हत्या की दोबारा जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट 30 अक्टूबर को याचिका पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सलाह देने के लिए वरिष्ठ वकील अमरेंद्र शरण को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया। मुंबई के पंकज फडणवीस ने महात्मा गांधी की हत्या के केस की दोबारा जांच के लिए अर्जी दी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि महात्मा गांधी की हत्या में 3 लोग शामिल थे और इस हत्याकांड को एक संगठन की तरफ से अंजाम दिया गया था, इसीलिए इस केस को दोबारा खोला जाए। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा है कि क्या इस केस में पर्याप्त सबूत हैं कि दोबारा जांच के आदेश दिए जा सकते हैं या नहीं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि इस मामले में 2 लोगों को फांसी दी गई और आपके हिसाब से तीसरा व्यक्ति भी था तो क्या कोई जिंदा है। कोर्ट ने ये भी कहा कि इस मामले में संगठन को दोषी नहीं ठहरा सकते। कोर्ट 30 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेगा। मेरे पास जो काफी अहम सबूत हैं उसमें से एक ये है कि गांधी जी को 3 गोली मारी गई, ऐसा आज तक बताया गया है, लेकिन जो मैंने सबूत प्रस्तुत किए हैं वो ये बताते हैं कि उनको 4 गोली मारी गई। इसका मतलब गोडसे के अलावा भी कोई व्यक्ति वहाँ पे था जिसे बचाया गया,
तो वो कौन व्यक्ति था, क्यों बचाया गया, उसका क्या मकसद था, ये जानकारी हमें प्राप्त हो। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में गांधी जी की नाथुराम विनायक गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मुकदमे में गोडसे समेत 8 लोगों को हत्या की साजिश में आरोपी बनाया गया था। दिगंबर बडके को सरकारी गवाह बनने के कारण बरी कर दिया गया था, वहीं शंकर किस्तैया को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था। वीर सावरकर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने की वजह से अदालत ने बरी कर दिया था। अंत में बचे 5 अभियुक्तों में से 3 गोपाल गोडसे, मदनलाल पाहवा और विष्णु रामकृष्ण करकरे को आजीवन कारावास की सजा मिली थी, जबकि नाथुराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी दे दी गई थी। राजस्थान के नेता विपक्ष रामेश्वर डूडी का वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में डूडी सुरक्षा कर्मी से जूते उतरवाते हुए दिख रहे हैं। नीले रंग की टी शर्ट पहने बेशर्मी से अपने सुरक्षा कर्मी से जूते उतरवाते हुए ये हैं राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता रामेश्वर डूडी। देखिए कैसे सार्वजनिक जगह पर भी नेताजी अपने जूते खुद नहीं खोल सकते और उसके लिए भी उन्हें उनकी सुरक्षा में तैनात जवान की मदद चाहिए। उनके बगल में राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट भी नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने जूते खुद उतारे। दरअसल सचिन पायलट और रामेश्वर डूडी इन दिनों झालावाड़ जिले में किसान न्याय पद यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन मंदिर में जाने से पहले डूडी सुरक्षा कर्मी से जूते उतरवाते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। डूडी का ये वीडियो वायरल होने के बाद उनकी जमकर आलोचना भी हो रही है। जनवरी 2017 में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के जूते एक सुरक्षा कर्मी ने उठाए। मई 2017 में शिवपाल यादव को एटा में 8 बार सुरक्षा कर्मी ने जूते पहनाए, रुमाल से कीचड़ भी साफ किया। मार्च 2013 में पंजाब के सीएम रहे प्रकाश सिंह बादल ने भी सुरक्षा कर्मी से अपने जूते उतरवाए थे। जिन जवानों के कंधों पर नेताओं और जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, उनसे नेताओं द्वारा इस तरह के काम करवाना बेहद शर्मनाक है। आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में सजा काट रही शशिकला 5 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर आ गई। बेंगलुरु जेल के बाहर शशिकला के करीबियों ने उनका स्वागत किया। बेंगलुरु से शशिकला सीधे चेन्नई के अस्पताल में जाएंगी, वहां उनके पति अपना इलाज करा रहे हैं। शशिकला तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की करीबी रही हैं। शशिकला आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी हैं और इस साल फरवरी से जेल में बंद थी। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की ओर से दी गई 4 साल की सजा को बरकरार रखा था। जयललिता के निधन के बाद शशिकला AIADMK की महासचिव बनी, लेकिन उन्हें पद से हटना पड़ा। वहीं शशिकला के भतीजे दिनाकरन ने तमिलनाडु के मौजूदा सीएम पलनीसामी के खिलाफ जाकर एक अलग गुट बना लिया है। और इस बीच AIADMK के चुनाव चिन्ह का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अरुणाचल प्रदेश में एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। अरुणाचल प्रदेश में तवांग के पास वायुसेना का हेलीकॉप्टर MI-17 हादसे का शिकार हो गया। हेलीकॉप्टर में वायुसेना के 5 और सेना के 2 जवान सवार थे। हादसे में इन सभी की मौत हो गई है। जिन लोगों की मौत हुई है उनमें विंग कमांडर विक्रम उपाध्याय, स्क्वाड्रन लीडर एस तिवारी, MWO AK सिंह, सार्जेंट गौतम, सार्जेंट सतीश कुमार, सेना के सिपाही ई बालाजी और सिपाही SND का शामिल है। घटना देखिए बहुत दुखद है। कई कारण होते हैं, तकनीकी कारण होते हैं, कई बार मौसम की वजह से होते हैं। अब जब तक सही रूप के अंदर उसकी जो इंक्वायरी कर रहे हैं वो निकल के नहीं आती है तो कहना मुश्किल है कि क्यों हुआ है। तो अभी से उसके बारे में अटकल लगाना ठीक नहीं होगा। हेलीकॉप्टर सुबह 6 बजे के करीब दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उस वक्त ये एयर मेंटेनेंस मिशन पर था। यह हादसा इसलिए भी चिंता की बात है क्योंकि 2 दिन बाद रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर जाना है और इस दौरान वो MI-17 हेलीकॉप्टर का ही इस्तेमाल करने वाली हैं। MI-17 V5 दुनिया का सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर में शामिल है। इसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट, पेट्रोलिंग, सर्च और रेस्क्यू मिशन में होता है। इससे रॉकेट फायर किए जा सकते हैं और इसमें एडवांस मशीन गन लगे हैं। यह हेलीकॉप्टर 6000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। एक बार में यह 600 से 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। वायुसेना ने इस हादसे को लेकर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए। फास्ट एंड फैक्ट्स में फिलहाल इतना ही।